क्या नाम पड़ेगा बाबू? खाना हो तो आ मीटिंग हो रही है, समझ सकते हैं गांव में पंचायत बोला जाता है, तो यहाँ पे बैठ के लेडीजों में पंचायत हो रहा है। ये फूल है ना, इस फूल को खाया जाता है, कर लो पंचायत। देखो ओ भाई, मुझे शर्म नहीं आती है। अच्छा, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे हो रही है। सो आज फिलहाल मैं चल रहा हूँ खेत और वहाँ पे अपने को थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि उस दिन काम हुआ था और आज फिर से काम होने वाला है। चलते हैं यहाँ से और चलते हैं ट्यूबवेल पे, देखते हैं कौन सा काम रहे। काम वाला सब चीज हमारे जी में छोड़ रखे। आज नसीबा में पैदल जाने के लिए लिखा हुआ है, जो मेरी वाली साइकिल है वो उसको भाई कीचड़ की वजह से निकाल नहीं रहे, और जो नानू का साइकिल है तो वो अपने साइकिल से खुद आ रहा है, स्वयं आ रहा है। हमको एक ले के चलो भैया, हम चलते हैं पैदल। ये फूल है ना, इस फूल को खाया जाता है। हाय गाइस, क्या नाम पड़ेगा बाबू? खाना हो तो आ। प्रतीक। हाँ प्रतीक। प्रतीक जी, प्रतीक जी, चलते हैं। हाँ त्वार का नाम हो? काम चली बड़ा सोच के बताओ तरह, जैसे लगा था नहुआ में का थोड़ा अंका वाम कम कर देता था। इससे मिल लीजिए, हमारी बड़ी मी है। बड़ी मी क्या काम करने जा रही हो? बड़ी नानी ने ऐसे कर तड़ी, क्या बीज ढो तड़ी, धान का बीज। चलो तो मेरे से क्या कहना चाहती है? बोझा उठा के कपास सर पे। चलो जी, मैं बड़ी मी का बोझ उठाने वाला हूँ बड़ी मी के सर पे। गांव में यार गाइस, जो औरतें होती है ना, लोग सोचते हैं कि औरतें इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करती हैं, बट औरतें गांव में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। मैं अपने माताओं से सीखता हूँ कि मेरी माताएं कितनी हार्ड वर्क करती हैं। ये मेरी बड़ी माता है, जो देख सकते हैं जा रही है सर पे बोझ लेने के लिए। एक बोझ का वजन करीब 30 kg से भी ऊपर हो सकता है, और सोच सकते हो 30 kg 40 kg ये लोग सर पे उठा लेती हैं। भाई साहब बड़ी मी उठा लेगा, मेरे सर पे इतना दे दिया जाए तो दो, मैं तो थोड़ी देर के बाद मेरा सर धंस जाए मेरे शरीर में, ऐसा हो जाता है मेरे अंदर। बट सोचो यार, औरत हमारे यहाँ बहुत हार्ड वर्क करती हैं। आप लोग बताना यार गाइस, आप लोगों की माता ऐसी लोग मतलब हार्ड वर्क करती है कि नहीं? जो गांव के लोग होंगे उनकी माताएं तो हार्ड वर्क करती हैं। ये वाला धान का बीज उठाएंगे बड़ी मी के सर पे। ये देखो बड़ी मी के सर पे उठा चुके हैं। इधर देख सकते हो मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, ये खेत में चारों तरफ की जो घास वगैरह होता है ना उसकी सफाई करना है हम लोगों को। पापा भी आ रहे हैं, नानू इधर सफाई कर रहा है, तो चलते हैं। इस खेत की चारों तरफ से सफाई करनी है, ये खेत बचा हुआ है और उधर का सामने वाला बीज वाला खेत बचा हुआ है। बस दो खेत की सफाई करने के बाद, धान को रोपने के बाद एकदम फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद एकदम फ्री ब्लॉग बनाएंगे। और ललन भैया कहाँ चल दिया आप? चल रहे अपने गाँव। अपने गाँव? हाँ गाइस, पता है ललन भैया अपने ननिहाल रहते हैं। कितना साल से ननिहाल रहे ललन? अरे हो गए आप 20 साल। 20 वर्ष से ना ललन भैया अपने ननिहाल रहते हैं यहीं पे, मतलब सोचिए कि पैदाइशी यहीं पे ही रहते हैं, और अब जा रहे हैं अपने घर बस घूमने के लिए। कभी कभी जाते रहते हैं। तो गाइस पापा आ चुके अभी फिर से गोबर लेके, अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो बनाए जा रहा हूँ। तुम क्यों शर्माई जा रही है? हमारा इसमें थोड़े ना डमेशन हो चुका है, फिर लोग तुमको पहचानते हैं। हेमलो जी अभी भी जस्ट खेत की सफाई तो करने गए थे, बट खेत की सफाई नहीं हुए। एक्चुअली में क्या है ना कि धान का बीज उखाड़ने चल गए, पापा जी के फ्रेंड हैं तो उनके मतलब लड़के आ गए, तो उनको धान का बीज उखाड़ के देना था, तो चले गए धान का बीज उखाड़ के देने के लिए। अभी भी जस्ट उधर ही से आ रहे हैं, तो इधर देख सकते हो पंचायत हो रही है, मीटिंग हो रही है, समझ सकते हैं गांव में पंचायत बोला जाता है, तो यहां पे बैठ के लेडीजों में पंचायत हो रहा है। ऐसा ही होता है। हम आए हुए अभी कुछ काम करने के लिए, कर लो पंचायत, बाकी है पंचायत और गांव में पंचायत कहते हैं इसको। पंचायत जब गांव में जब 2-4 और इकट्ठा हो जाए ना, तो समझिए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब अलग हो जाए तो समझिए कि डाटा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। काई लिए मुंह हटाया है, उड़ा नहीं काई नहीं हटा के देखती। अच्छा तुम? धान का बीज उखड़ गया चाची का, चाची दी है 220 रुपया। 20 रुपया में बंटी बबली आया होगा और इसको आराम से मजे आए होंगे। नहीं तू समझा नहीं, जो उखाड़े हैं
लोग पिए होंगे ना। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा घर। यहाँ से 2 बजे लेके बजड़ा जाना है। इधर इस गुड्डू वाले रखा है साइकिल, साइकिल पे लेके चलेंगे एकदम बिंदा। पापा इधर बैठे हुए, चलते इस बाजरा को उठाते फिर चलते अभी भोजन वगैरह करते एकदम मस्त। सुबह से ऐसे ही भूखे हुए हैं भाई साहब, सुबह से खाना नहीं खा के आए। अभी आगे गाइस घर पे जस्ट नाउ एंड चलते हैं अभी नहाते धोते फ्रेश होके एंड खाना भोजन मतलब जो भी है खाना पीना करते हैं मस्त। हेलो भाई लोग, अभी भी जस्ट सो के उठा हूँ। मम्मी जैसे मैं बता रही है ना, चलना है बीज उखाड़ने। सोच रहा हूँ यार इतना मेरी जिंदगी के पीछे क्यों पड़े हो, मेरे को वीडियो बनाने के लिए उतना फुर्सत नहीं मिल पा रहा है। और ये मेरे माता पिता जो है कि काम करवा करवा के भाई वीडियो का एक भी क्लिप एक भी पार्ट सही बन नहीं पा रहा है। अब यार देख सकते हो इधर चौकी पे सोई हुई है मम्मी। अब मैं क्या कह सकता हूँ मम्मी को, सारा दिन काम काम। 3:00 चलने वाला था वीजा, कितना बजे था? 4:30 था। ऊपर है गोबर उठाई थी या पानी हम काम नहीं हो पाता यार, मम्मी से काम नहीं हो पाता है। और पापा है कि फरमाइश किए जा रहे हैं काम के लिए, ऐसा होता है। हमारी माता जी काम नहीं कर पाती है, आप लोग समझिए। क्यूटी किधर से गाइस, ये देखो पापा के साथ टी शर्ट में पूरा क्यूटी घुस गया ना भाई साहब, ये देखो पूरा क्यूटी क्यूटी गाइस, ये देखो। ओ भाई ये क्या भाई, घोड़े के गले में बांधने वाला इधर से किधर आ गया। देखो भाई लोग काम इतना तगड़ा है और शाम के 4 बजे तक सोते ही रह गए, अभी शाम के 5 बज चुके हैं। तो चलते हैं ट्यूबवेल पे जाके और फिर वही काम करना स्टार्ट करते हैं। मेरी साइकिल है और ये देखो गाइस कितना ज्यादा कीचड़ कीचड़ कर रखा है मेरा छोटा वाला भाई पूरा साइकिल में। ये साइकिल में यह दिक्कत है, जब बारिश होती है बारिश में घुसा दो तो पूरा कीचड़ में भर जाएगी। इधर साइकिल को साइड में खड़ा करते हैं, अभी जस्ट पहुंचे ट्यूबवेल पे, तो चलते अपने खेतों की सफाई वगैरह करते हैं। तो भी बहुत ज्यादा काम करने के बाद शाम के 6 बजे के प्लस ये आया बस पानी पीने के लिए। मैं बोला मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगा, मेरा माथा ही नहीं काम कर रहा था, मेरा मेमोरी हैंग कर रहा था, मैंने बोला पानी चाहिए। तो ये एक बोतल पानी लेके आई है भाई साहब, क्या बात है। घर पे खाने वाला बहुत सारा चीज एग्जाम्पल के तौर पर अमरुद ही है समझ लो। तो ये पानी आया एक बोतल में कौन पिएगा, तो मैं पीऊँगा उतने में ख़त्म हो जाएगा, ये क्या पिएगा बताओ। इतना मासूम लड़का है ये क्या पिएगा यार, गजब बात है। पापा हैं पापा क्या पिएंगे, गजब की बात है भाई। और इस टाइम रात के 9:20 हो रहे हैं। तो अभी मैं ट्यूबवेल से जस्ट ऑफ जाके आया हूँ, तभी से भाई काम कर रहा था। आज की इस ब्लॉग को एंड कर रहा है, होप आपको पसंद है प्लीज लाइक करें एंड चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करते। बहुत उम्मीद के साथ ये ब्लॉग बनाते हैं, मतलब हर ब्लॉग उम्मीद के साथ बनाते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।